हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक है, कोरोना वायरस nCOVID-19। तो इसकी जो जर्नी है, 3 महीने की जर्नी, 3 मंथ्स वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कंटिन्यू मैं इस टच में रहा हूँ कि कोरोना वायरस का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं आज आपको इसकी जर्नी पूरी शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या जर्नी थी इसकी और ये कहाँ, कब, क्या क्या करके आया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 31 दिसंबर 2019, चाइना ने WHO को अलर्ट किया कि एक डिसीज़ जो है निमोनिया, सीवर निमोनिया, जो वुहान सिटी है चाइना की, वहाँ पे फैल गया है। वुहान सिटी जो है वो काफ़ी पुअर सिटी है चाइना की, और ज़्यादातर लोग जो हैं वुहान के, वो सी फूड से रिलेटेड वर्क करते हैं, सी फूड बेचते हैं, इस तरीके के काम वो करते हैं। तो 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने WHO को ये अलर्ट दिया। 1 जनवरी 2020, न्यू ईयर वाले दिन, चाइना ने जो है वुहान सी फूड होलसेल मार्केट, ये मार्केट जो है वुहान सिटी में ही है, उसको शट डाउन करा दिया, बंद करा दिया, क्योंकि वहाँ पे निमोनिया जो था बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। 7 जनवरी 2020 को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे, जैसा कि चाइना ने उनको अलर्ट दिया था, तो WHO ने इस वायरस को आइडेंटिफाई किया और इसका नाम 2019 nCOV दिया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो वायरस है, ये जो पहले 2002 में वर्ल्ड वाइड 770 पीपल जो मरे थे सार्स वायरस से, उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। ये सार्स वायरस जो था, ये 2002 में फैला था और उसमें भी यही लक्षण आए थे, और कॉमन कोल्ड से रिलेटेड इसको बताया। 11 जनवरी 2020 चाइना ने अनाउंस किया कि जो फर्स्ट डेथ है 61 इयर्स ओल्ड मैन की, वहाँ पे फर्स्ट डेथ हो गई, जो कि सी फूड, वुहान सी फूड मार्केट वुहान से लेके आया था, तो उसकी डेथ वहाँ पे बताई गई 11 जनवरी को। 13 जनवरी 2020 सबसे पहला केस जो था वो एक लेडी का आया चाइना के बाहर। अभी तक तो सारे, मींस 11 जनवरी तक तो केस चाइना के अंदर आ रहे थे, लेकिन 13 जनवरी 2020 को एक केस, मींस एक जो लेडी थी, वुमेन थाईलैंड की, उसमें भी यही सिम्टम्स पाए गए और उसको कोरोना पॉजिटिव बताया गया। मींस अब जो है 13 जनवरी को उसका स्प्रेड जो है कोरोना वायरस का दूसरी कंट्रीज़ में भी होना शुरू हो गया। 23 जनवरी 2020 वुहान को पूरी तरीके से चाइना ने लॉकडाउन करा दिया, वहाँ के सारे रेल एयर डिपार्चर्स सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए। 30 जनवरी 2020 को WHO ने जो nCOVID-19, उसको ग्लोबल एमरजेंसी चाइना रिपोर्ट्स, क्योंकि उसने मतलब इसको ग्लोबल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था WHO ने, क्योंकि उस समय चाइना में 7,700 केसेस कोरोना पॉजिटिव आ चुके थे और 170 डेथ हो चुकी थी। तो WHO ने इसे ग्लोबल एमरजेंसी, मींस कि अब ये धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में भी फैल सकता है, तो इसलिए उसको ग्लोबल एमरजेंसी दे दिया गया, ताकि कंट्रीज़ जो हैं इससे प्रिकॉशन ले सकें, वहाँ पे ये ना फैले। तो 30 जनवरी को ही इंडिया और फिलिपाइंस, ये जो कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया हमारी कंट्री है, वहाँ पे भी इसका फर्स्ट केस 30 जनवरी 2020 को मिला, कोरोना पॉजिटिव हुआ। 2 फरवरी 2020 को पहली डेथ जो थी चाइना के बाहर किसी, फर्स्ट डेथ जो है वो फिलीपींस कंट्री में हुई, ये पहली डेथ थी जो कि 2 फरवरी 2020 में हुई चाइना के बाहर, मींस दूसरी कंट्री में चाइना के अलावा। 7 फरवरी 2020 को जो यू विन लियांग
डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बताया था चाइना में, उनकी डेथ हुई उस 7 फरवरी 2020 को। चाइना ने कंप्लीट लॉकडाउन ऑल ओवर द कंट्री लगा दिया और अलग अलग तरीके के रूल्स और रेगुलेशन बताए कि अगर कोई भी मीन्स बाहर निकलता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसको क्वारंटाइन करने को कहा गया सबको ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी भी तरीके के सिम्टम्स वगैरह दिखने पे सीधे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करने को कहा गया। 11 फरवरी 2020 WHO ने इस वायरस का नाम फाइनली जो नाम दिया वो दिया कोविड-19, कि ये कोरोना वायरस 19 नाम दिया गया इसको कोविड-19। 14,019 इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे टू ये जो है 2019 में हुआ था, तो इसलिए इसको 19 रखा गया। 14 फेब 2020 को इजिप्ट में पहला केस आया और फ्रांस पे उसी दिन पहली डेथ हुई कोरोना वायरस से। 21 फरवरी 2020 चाइना ने अनाउंस किया कि उसके जो पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना वायरस के वो 75,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं। और उसी दिन इसराइल में पहला केस हुआ और इटली में लगभग 6 केस हुए, टोटल 6 केसेस हो गए, और वहाँ पे लोकल ट्रांसमिशन जो था वो स्टार्ट हुआ। मीन्स जो लोग आए थे उन्होंने एक दो लोगों को फैला दिया, तो टोटल केसेस 6 हो गए। ऐसे ही 23 फेब जितनी भी कंट्रीज ईरान के आसपास रह रही थी, बॉर्डर जिनके लगे हुए थे नियर बाई कंट्रीज, तो उन्होंने ईरान के साथ अपने बॉर्डर्स क्लोज कर लिए क्योंकि ईरान में जो है वो कोरोना वायरस का स्प्रेड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और डेथ जो है वो ज़्यादा होने लगी। 23 फेब 2020 ईरान के जो डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने खुद ही बताया कि उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तब 25 फेब 2020 तक 95 केसेस आ चुके थे और 15 डेथ वहाँ पे हो चुकी थी। 7 मार्च 2020 पे आ जाते हैं, तो ये कोरोना वायरस जो है लगभग 90 कंट्रीज में फैल चुका था और लगभग 1 लाख से ज़्यादा केस आ चुके थे और 3500 से ज़्यादा जो डेथ हैं वो वर्ल्ड वाइड हो चुकी थी। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को एक पैनेडमिक डिसीज़ वर्ल्ड वाइड घोषित कर दिया। पैनेडमिक मींस कि ये महामारी पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो इससे पूरे वर्ल्ड को खतरा है और ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, इसलिए पैनेडमिक डिसीज़ वर्ल्ड वाइड इसको घोषित किया। 16 मार्च 2020 न्यूयॉर्क ने डिसाइड किया कि वो जो है बार, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे क्योंकि यूएसए जो है, यूएसए में ये केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। तो 18 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइंस को सस्पेंड किया और इटली ने 18 मार्च 2020 को सबसे ज़्यादा डेथ सिंगल डे में 475 डेथ रिपोर्ट की। चाइना का कोई भी केस उन दिनों नहीं आया, 18 मार्च 2020 को नहीं आया क्योंकि चाइना जो है इस चीज़ की रिकवरी कर चुका था। 19 मार्च 2020 और ज़्यादा डेथ होने लगी, इटली में डेथ इतनी हो गई कि वो चाइना से भी ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा रिपोर्ट हो गया था। 20 मार्च 2020 को लगभग 10,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी थी कोरोना वायरस। 22 मार्च 2020 को मोदी जी ने इंडिया में जनता कर्फ्यू लागू किया और कई सारे स्टेट्स जो इंडिया के थे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। 25 मार्च 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 21 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया इंडिया में। और इसी बीच अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 ट्रिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया अपनी मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अलग अलग जो भी वहाँ पे काम करती होंगी, तो $2 ट्रिलियन का। 26 मार्च 2020 को केसेस जो हैं वो 5 लाख से ज़्यादा हो गए और 2.5 लाख केसेस जो थे सिर्फ यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में थे, जो कि स्पेन,
और इटली के मिला के थे। 27 मार्च 2020 को यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने मींस अपने आप को क्वारंटाइन तो किया, लेकिन उन्होंने अपने वर्क को नहीं छोड़ा, वो वहाँ से बैठ के वर्क करते रहे। ये काफ़ी अच्छी बात है। 29 मार्च 2020 यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस होने वाला पहली कंट्री बन गया और इसने सारे रिकॉर्ड जो हैं इसके तोड़ दिए और 1.2 लाख से ज़्यादा उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में इसके कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। 31 मार्च 2020 अब ये कोरोना वायरस जो है वो लगभग 200 कंट्रीज में फैल चुका है। अभी तक जो केसेस हैं वो मोर देन मींस नियरर टू 8 लाख हैं और डेथ जो है लगभग 37,000 हो चुकी है। तो इस तरीके से इस कोरोना वायरस को की जर्नी जो है, ये 3 महीने की जर्नी इस तरीके से रही है। जो मेन इवेंट हैं वो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बची मेरी वीडियोस देखिए और मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए।